अच्छा, और इसके ऊपर काफी डिबेट होगी और सरकार का वक्त भी आ गया है। आप विराजे श्री राम, आप विराजे। सभापति महोदय, सभापति महोदय, आज मांग संख्या 19, 21 और 28 लोक निर्माण कार्य, सड़कें एवं पुल, ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम। सभापति महोदय, जो कि आज महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मुझे मौका जो दिया, आपका धन्यवाद। मांग संख्या 19 जो है, लोक निर्माण कार्य, उसमें अपने देखे तो अपने जीवन काल में आने वाले कार्य जो भी होते हैं वो एक लोक निर्माण कार्य में जैसे माने जाते हैं। चिकित्सा, ब्लड बैंक, जांच केंद्र, ट्रॉमा सेंटर निर्माण, ऑपरेशन थिएटर निर्माण कार्य, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ के रहने के हेतु क्वार्टर। सभापति महोदय, यदि रुआत में इन कार्यों की जो रखरखाव के लिए सरकार अच्छी तरह से इनका जो निर्माण करे तो आने वाले समय के अंदर एक अच्छा साबित किया जाएगा। और ये लोक निर्माण कार्य के अंदर आंगनवाड़ी भवन, क्योंकि पूरे क्षेत्र के अंदर कई एरिया ऐसा जो है वहाँ पर भवन नहीं है। सभापति महोदय, पंचायतों के अंदर पक्के निर्माण कार्य और स्कूल, खेल कूद मैदान जो है, स्टेडियम है, और SC ST से जुड़े छात्रावासों को पक्के करवाने के कार्य जो है। सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो आने वाले कार्य लोक निर्माण के अंदर, जो पशुपालकों के लिए जो टीन शेड के जो कार्य जो है वो भी इसी के अंदर माने जो जाते हैं, तो ये भी एक लिए जाए तो काश्तकारों के लिए और क्षेत्र के किसानों के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो। इसी प्रकार से ये बांधों के जो काम जो है, पक्के काम जो है, नहरों के हैं, खालियों के जो है, ये भी इस कार्यक्रम में लिए जाए, तो मेरे हिसाब से मैं सुझाव दे रहा हूँ। सड़कें एवं पुल, सभापति महोदय, सड़कों के बारे में अपन देखने जाए तो पूर्ववर्ती सरकार ने जो काम जो किए थे आज उनकी तुलना में वर्तमान सरकार ने के बराबर मानी जाती है। हमारे उप मुख्यमंत्री जी महोदय भी विराजमान है। जिस प्रकार से सरकार ने मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर आबू रोड और रेवदर के अंदर जो है, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो सड़कें जो बनाई थी वो एक तारीफ़ी काबिल रही। मैं मुख्य सड़क जो है आबू रोड से अंबाजी वाली सड़कें जो है वो 1 करोड़ी तक जो बहुत बड़ी लागत बना के लगा कर वो उसको काम को जो पूरा किया। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि जो सड़कें जो है 2017 के अंदर अतिवृष्टि के अंदर टूट कर बह कर गई थी, और विशेष तौर से सिरोही जिले के अंदर भारी बारिश जो हुई थी उस समय में सरकार ने तुरंत प्रभाव से काफ़ी काम जो है, पुल और ब्रिज जो है, हमारे एक जुआदरा का ब्रिज जो है टूट के 25 गांवों से डिसकनेक्ट हो गया था, और तुरंत प्रभाव से सरकार ने स्वीकृति देकर 10 करोड़ की लागत से बना गया था। जीरावल वाली जैन मंदिर वाला पुल जो है वो भी बन गया, वो सित्रा वाला भी बन गया। लेकिन मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से, उप मुख्यमंत्री महोदय से मैं कहना चाहूँगा कि जो 30% जो काम जो था सरकार बदलने के बाद में उसको रोक दिया और पैसा भी निरस्त कर दिया था, तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि उनको भी स्वीकृत कर आने वाले बारिश से पहले पहले वो गांव जो है सारे डिस्क किए हुए हैं उनको वापस जोड़ा जाए, तो मैं समझता हूँ कि क्षेत्र के जनता के लिए एक फायदेमंद रहेगा। जिस प्रकार से जो राजस्व गांव जो है, सभापति महोदय, राजस्व गांव सरकार की योजना के अंदर के सारे गांवों को जोड़े जाए, मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर ऐसे गांव जो काफ़ी जो है पंचायत मुख्यालय से छोटे छोटे गांव जो है वो नहीं जोड़े हैं उनको भी जोड़ा जाए, तो जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बालक है पढ़ने में असुविधा होती है, उनको आने जाने में भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसलिए इन सड़कों को भी यदि जोड़ा जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा रहेगा। इससे सभापति महोदय, इसको देवस्थान बोर्ड वाली जो है, पहले सरकार ने, वसुंधरा जी की सरकार ने ये जो धार्मिक सड़कों वाली जो है वो सड़कों को भी जोड़ा था, प्रत्येक विधायक को 10-10 किलोमीटर की सड़कें जो दी थी, तो धार्मिक सड़कों वाली जो सड़कें जोड़ी थी। इसी प्रकार से ये मैं
हमारे वन मंत्री जी भी विराजमान है और आप भी विराजमान है। वन विभाग के अंदर आने वाले जो टुकड़े छोटे छोटे जो है उसको रोकने के माध्यम से पूरा सड़क सैंक्शन हो गई है, उसके बाद में वो काम चालू नहीं होता है और बीचों बीच टूटे हुए और एक प्रकार की दुविधा खड़ी होती है, सरकार का बजट जो है वो भी लैप्स हो जाता है। तो इसी प्रकार से जो कई काम जो ऐसे हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। एक सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि बहुत महत्वपूर्ण माउंट आबू और ये जो उत्तर भारत से माउंट आबू में पहुँचने वाले देश विदेश के पर्यटक जो आते हैं उनके लिए, अपन जैसे रेवदर से जाते आबू रोड, आबू रोड से माउंट आबू, मेरे विधानसभा क्षेत्र पावापुर से लगता हुआ गुलाबगंज जो है वहाँ से एक पुरानी सड़क जो सैंक्शन है उस सड़क को भी वहाँ से स्वीकृत कर जोड़ा जाए तो मैं समझता हूँ कि दो रोड जो है आबू माउंट आबू जो है एक पर्यटक स्थल है वो उसको भी यदि जोड़ा जाए तो मैं समझता हूँ कि कभी भी 2017 के अंदर ओलावृष्टि जब आई हुआ उस समय में 15 दिन वहाँ पर आने जाने के लिए बहुत बड़ी दुविधा खड़ी हो गई थी। तो ये रोड, ये जो बैरू तारक है या पावापुरी से पहले से रोड बनी हुई थी, कच्चा रोड बना हुआ है, यदि उसको स्वीकृत वन विभाग के परमिशन से या अपने जो केंद्र सरकार से लखनऊ इनका कार्यालय है विले, तो उसको भी वहाँ से यदि सैंक्शन निकलवा कर इसको जोड़ा जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं सरकार से ये भी कहना चाहूँगा कि जो पहले में ये ग्रामीण गौरव पथ और अभी विकास पथ जो है दिए हैं, इन कार्यों को भी यदि गति दे तो सरकार की ओर से बहुत बढ़िया रहेगा। दूसरी बात है ग्रामीण विकास की जो क्षेत्र के अंदर काम जो बताने जाए तो गांवों के अंदर पेयजल वाली जो व्यवस्था है तो मैं समझता हूं कि पीने के लिए हेडपम्प के लिए जो व्यवस्था जो है सरकार इनको समय समय पर आने वाली गर्मियों की सीजन से पहले उन कार्य को भी उसमें लिया जाए तो मैं समझता हूं बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा अपने मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो गांव और डांडिया के अंदर जो छोटे छोटे चार दीवारी जो है स्कूलों की टूटी हुई है वो भी एक विकास के तौर पे माना जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से भी कहना चाहूँगा कि जो 17 के अंदर, मैं पुनः इसलिए निवेदन करना चाहूँगा कि 17 के अंदर अतिवृष्टि में जो मेरे 5-7 ग्राम पंचायत जो ऐसी है वो पंचायतों के अंदर पूरे रास्ते जो है सड़कें जो बहकर चली गई है और वहाँ पर आने वाले समय के अंदर इनके अभी भी काफ़ी 1.5 साल से वहाँ पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो मैं चाहूँगा कि आप जब भी मंत्री हमारे उप मुख्यमंत्री जी बिराजमान है जवाब दें उस समय में हमारे मेरे रेवदर विधानसभा की ग्राम पंचायत रायपुर, पिथापुरा और निम्बज, इन पंचायतों की जो सड़कें जो है टूटी हुई सड़कों को भी आप उसमें लिया जाए तो मैं समझता हूँ। एक जो है अपने यहाँ पर जो सड़कें जो है मॉडल स्कूल जो है देरोल वाली और एक कॉलेज वाली महाविद्यालय वाली सड़कें बहुत महत्वपूर्ण सड़कें हैं, इन सड़कों के लिए मंत्री महोदय आप सिरोही जब पधारे थे बैठक ली थी उस समय भी मैं आपसे निवेदन किया था उन सड़कों को भी जोड़ा जाए तो, क्योंकि वो सड़कें जो है बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ पर बच्चों के आने जाने वाली मॉडल स्कूल जो है एक मान्यता पूर्वक विद्यालय जो है इसको भी जोड़ा जाए। मुझे आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।